हेलो साथियों, हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आपके साथ जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप अभी बिहार में और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक नई नौकरी GNM के लिए इंतजार कर रहे हैं तो BTSC के अंतर्गत GNM की नई वैकेंसी आने वाली है, इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब आपको GNM के वेट कर स्टूडेंट बिल्कुल रूप से खुश हो जाना है और सबको ये बात बता देना है कि कैसे कैसे क्या होगा, और वीडियो शेयर करके बता दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँगा BTSC के अंतर्गत अगर GNM की वैकेंसी आती है तो क्या उसमें लिखित परीक्षा होंगे, अगर होंगे तो क्या सिलेबस होगा, कब आएगा वैकेंसी, पूरी प्रोसेस, पूरी जानकारी डिटेल्स में आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल रूप से विलंब नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चलता और वहीं से आप लोगों को सारी चीज, सारे पॉइंट आपको हम क्लियर कर देते हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की तरफ। साथियों, मैं आ चुका हूं ऑफिशियल नोटिस पर और ये नोटिस आप लोग देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। प्रेषक है डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी, निदेशक प्रमुख है स्वास्थ्य सेवा बिहार पटना के। और इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो लिखा गया है किनको, तो सभी अधीक्षक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बिहार, सभी सिविल सर्जन बिहार, यानी बिहार राज्य के जितने, बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है सभी को ये नोटिस लिखे जा रहे हैं, सभी को ये लेटर यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। आप देख पाएंगे सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है और मेन रूप से इसमें क्या लिखा गया उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। विषय है परिचारिका श्रेणी ए की रिक्त की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। परिचारिका श्रेणी ए यानी कि परिचारिका श्रेणी ए किसे कहते हैं, GNM को ही कहते हैं, ग्रेड नर्स ए GNM को ही कहते हैं, जिसे हरे हिंदी में परिचारिका श्रेणी ए के रिक्त कहा जाता है। तो परिचारिका श्रेणी ए यानी कि GNM की वैकेंसी कहाँ पर कितनी खाली है उसकी सूचना यहाँ पर मांग रहे हैं। चूंकि BTSC के अंतर्गत GNM की नई वैकेंसी निकालने का होगा, इसीलिए बिल्कुल रूप से यहाँ पर अभी तैयारियाँ शुरू कर दिए हैं। इसमें ये बता रहे हैं उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है आपके अधीनस्थ संस्थानों में, यानी कि यहाँ पर जितने भी संस्थान हैं, जितने भी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उसमें नियमित परिचारिका श्रेणी ए की स्वीकृत बल, कार्यरत बल तथा रिक्त बल से संबंधित अद्यतन विवरणी की आवश्यकता है। अनुरोध है कि निम्नांकित प्रपत्र में पत्र निर्गत की तिथि से 3 कार्य दिवस के अंदर विशेष दूत अथवा इस ईमेल ID के माध्यम से वांछित प्रतिवेदन विभाग को अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि ये कह रहे हैं कि जितने भी हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में नियमित, सिर्फ परमानेंट परिचारिका श्रेणी ए यानी कि कितना वहाँ पर नियमित GNM की स्वीकृति दिया गया है, किस हॉस्पिटल में कितनी ANM को स्वीकृति मिला है, कितने सीट मिला है, और वो और जितने भी सीट मिला है उस पर कितनी रिक्त बल है, कितने खाली है, उसकी सूचना दीजिए, इनका जरूरत है डिपार्टमेंट को। और ये डिपार्टमेंट को जो सूचना है 3 दिन के अंतर्गत देना है जिस दिन से आपको ये पत्र मिलेंगे, और आपको इस ईमेल ID के माध्यम से या फिर विशेष दूत के माध्यम से देंगे। यानी कि सीधी बात है कि अब नियमित वैकेंसी, आपको परमानेंट वैकेंसी निकालने वाले हैं डिपार्टमेंट के माध्यम से, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल रूप से ये सूचना जानकारी यहाँ पर मांग रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है स्वीकृत बल टोटल कितना स्वीकृत है, कार्यरत कितना है और रिक्त कितना यानी कि खाली कितना, ये चीज़ इसमें ये लोग को बना करके देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल रूप से अब GNM की वैकेंसी की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और पहले से भी मैं बताते आ रहा हूँ और माननीय स्वास्थ्य मंत्री का भी पहले से यहाँ पर लगातार अपडेट आ रही है कि बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसियाँ आने वाली है, GNM, नर्स, ANM सभी चीज़ों की वैकेंसी आएंगे। तो बिल्कुल रूप से अब यहाँ पर तैयारी है, GNM का भी शुरू होगी। बात आती है कि कब तक वैकेंसी आएंगे। देखिए, अगर ये 31/5 को, यहाँ पर 31/5 को ये नोटिस जारी किया गया, तो मान लेते हैं कि ये लोग 10/6 तक में भी ये लोग सारा डिटेल्स दे देते हैं, फिर डिटेल्स देने के बाद उस पर नियमावली सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बनाए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद हो सकता है कि 1 से 2 महीना का विलंब लग जाए, बाकी डिपेंड पड़ता है डिपार्टमेंट पर कि वो लोग कब तक वैकेंसी को निकालते हैं और कब तक सारा चीज़ यहाँ पर आप लोगों के सामने में रखते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, प्रक्रिया क्या होगा सिलेक्शन का। देखिए, ये प्रक्रिया मैं संभावित बता रहा हूँ, संभावित क्योंकि एक आप लोग से ऑब्जेक्शन लिया गया था, आप लोग से राय मांगा गया था कि एक नियमावली बनने जा रहा है जिसमें GNM का भी था, आपको हम पिछले वीडियो के माध्यम से बताए थे। तो ये लिखित परीक्षा होना संभावित है, बिल्कुल रूप से संभावित है लिखित परीक्षा होना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिखित परीक्षा होगा ही, होना संभावित है क्योंकि लगातार GNM पे भी बातचीत चल रहा है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से हो। तो यहाँ पर अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा सा तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग तैयारी ना करें, मार्क बेसिस के भरोसे बैठे रहे। मार्क बेसिस पर किसी भी एग्जाम के लिए बैठना नहीं चाहिए, ये मेरा पर्सनल राय है, और आप लोग बिल्कुल रूप से पढ़ाई करते रहे क्योंकि उम्मीद है कि लिखित एग्जामिनेशन के माध्यम से भी आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस किया जा सकता है। बाकी जो संविदा पर कार्य कर रही है उनको परमानेंट वैकेंसी आएंगी तो बिल्कुल रूप से लाभ मिलेगा। जो संविदा पर बिहार स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रही होगी या कर रहे होंगे उनको 1 वर्ष के लिए बिल्कुल रूप से 5 अंक मिलेंगे, ये प्रक्रिया पहले से चलते आ रहे हैं।
बाकी यहाँ पर सारा जो न्यू फ्रेशर है उसको यहाँ पर एक्सपीरियंस का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए खुशखबरी है सभी लोग, अब आप लोग तैयारी वगैरह शुरू कर दीजिए और जैसे कोई जानकारी अपडेट आएगी बताऊँगा। लेकिन ये वैकेंसी BTSC के माध्यम से होंगे क्योंकि नियमित वैकेंसी है और नियमित वैकेंसी है तो BTSC इसकी प्रोसेस करेंगे। जैसे जो कोई जानकारी अपडेट आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। विशेष जानकारी कोई डॉट मन में प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए, वहाँ से भी मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम ग्रुप पर ये नोटिस मैं भेज भी देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ, थैंक यू।